हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले क्लास में कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था। मतलब अगर हमें सेंटेंस दिया है और उससे हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हम उसे किस तरह से इंटरोगेटिव बनाएंगे, इस बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हमने जिसमें चार रूल्स के बारे में पढ़े थे। सबसे पहला रूल हमने देखा था, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेयर एक्सेट्रा, अगर सेंटेंस में इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हो तो हमें बस क्या करना होता है कि सेंटेंस में से इन हेल्पिंग वर्ब्स को हमारे सब्जेक्ट के पहले लगाना होता है। कब? जब हम उनसे इंटरोगेटिव बना रहे हैं। इंटरोगेटिव बनाते वक्त इन हेल्पिंग वर्ब्स को बस हमारे सब्जेक्ट के पहले लगाना होता है और हमारे सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना पड़ता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। उसके बाद हमने सेकेंड रूल में देखा था, इनकेस अगर जैसे ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, इन केस अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, अगर सेंटेंस में हो ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड एक्सेट्रा, ठीक है। अगर इस तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स हो तो इन्हें भी हमें सेंटेंस, जब इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें बस इन्हें हमारे सब्जेक्ट के पहले लगाना होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे सब्जेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हो या फिर मेन वर्ब जो भी हो हमारे सब्जेक्ट में, उसे लगाने का, और उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम एक सिंपल सेंटेंस को जिसमें अगर हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसे क्वेश्चन बनाना हो तो हम इसको इस तरह से उसे क्वेश्चन फॉर्म में बना सकते हैं। अब ये हो गया कि अगर हेल्पिंग वर्ब हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब हुआ तो इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, दोनों भी ना हो तो कैसे करेंगे। तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, इनकेस अगर दोनों में से, अगर सेंटेंस में दोनों में से कुछ भी ना हो, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है, तो ऐसे केस में हमने रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के बारे में पढ़ा था। अगर हमारा ऐसा वर्ब है जिसमें यस लगा है, ईएस लगा है या आईएस लगा है, तो ऐसे केस में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें सेंटेंस में सबसे पहले लगाना होगा डज, ठीक है। डज लगा दिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, डज भी हमें हमारे सब्जेक्ट के पहले लगाना है, तो ये डज हो गया, सब्जेक्ट आया। उसके बाद हमें जो वर्ब है ना उसमें से यस, ईएस, आईएस निकाल के वर्ब को उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर उसमें सेंटेंस में हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे तो एक्स्ट्रा वर्ड्स, और उसके बाद लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने आपको कल बताया था, सेंटेंस आपने प्रॉपर बना लिया, सब्जेक्ट पोजीशन बराबर लगी, डज भी लिख लिया, सब्जेक्ट भी लिख लिया, और वर्ब को एस ई एस आई एस निकाल के एक्चुअल फॉर्म में भी लिख लिया, लेकिन इनकेस अगर आप उसमें क्वेश्चन मार्क देना भूल गए तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, उसका मेन पॉइंट ये है कि वो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन मार्क इनकम्प्लीट होता है। तो ये हो गया रूल नंबर 3 के बारे में। अब रूल नंबर 4 में हमने देखा था कि इनकेस हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है, और वर्ब के साथ ईएस, ईएस, आईएस कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, अगर वर्ब उसके थर्ड फॉर्म में है तो उसे जब हम चेंज कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले लगाना है डिड, ठीक है। डिड लगा दिया, डिड लगाने के बाद उसके बाद लगाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब देखो, जैसे हमने वर्ब को जब हम इंटरोगेटिव बना रहे थे हमने उसमें से यस, ईएस, आईएस निकाल दिया था, और अगर हम सपोज सामने अगर डिड लगा रहे हैं सेंटेंस में तो हमें भी जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसे चेंज करके उसके वर्ब के एक्चुअल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, वर्ब का एक्चुअल फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे उसमें सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे वो, और उसके बाद लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। इन चार रूल्स के बारे में हमने हमारे पिछली क्लास में पढ़ा था। अब एक और बात, अगर हमें सेंटेंस, अगर हमारा सेंटेंस कोई निगेटिव सेंटेंस है, और अगर निगेटिव सेंटेंस को हमें क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है, तो निगेटिव सेंटेंस में हमारे पास या तो ऑक्सिलरी वर्ब होंगे या हेल्पिंग वर्ब होंगे, या फिर वर्ब के साथ यस, ईएस, आईएस, या हो सकता है कि वर्ब का कोई हमें थर्ड फॉर्म दिया हो, लेकिन उसमें हमारा नॉट होगा क्योंकि वो सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है, तो नॉट तो होगा ही। हमें क्वेश्चन बनाने के लिए उसमें से नॉट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
सेंटेंस में देखेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रख के उससे क्वेश्चन फॉर्म में बना लेंगे, अगर ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा के उससे क्वेश्चन फॉर्म में बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो इन्हीं रूल के बेसिस पे हमें ये सेंटेंसेस को हमें क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेना, इन रूल के हिसाब से आप इन सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में बना के देखना, ट्राई करना कि आपसे ये हो रहा है या नहीं। अभी मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी, लेकिन आप वीडियो को पहले पॉज करना, खुद से ट्राई करना, उसके बाद जब हम लोग ये सॉल्व करेंगे तब आप लोग चेक कर लेना कि आपका रॉन्ग है या राइट है। अगर राइट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रॉन्ग हुआ है तो कहाँ पे रॉन्ग हुआ है और आपकी मिस्टेक किस तरह से हुई है तो उसको आप चेक कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जवाबदार हैं। ठीक है, हम लोग जवाबदार हैं, ये एक सेंटेंस हो गया। लेकिन अब हमें इसे इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है। तो अब देखो इस सेंटेंस में आर आया है, ठीक है, ये जो आर है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब सिंपल ही हमें इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, पता है आपको, बस हमें इस हेल्पिंग वर्ब को, हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हमारे इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है और हमारे सब्जेक्ट को उसके पीछे लेकर जाना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे किस तरह से, आर वी रिस्पॉन्सिबल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जवाबदार है। अब ये क्वेश्चन बन गया, तो ये क्या बन गया, क्या हम जवाबदार है या फिर हम जवाबदार है क्या, तो ये बन गया क्वेश्चन। सिंपल ही क्या कि हमने हेल्पिंग वर्ब को हमारे सब्जेक्ट के पहले लगा दिया और हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, और ये बन गया हमारा सिंपल एक क्वेश्चन। अब इस सेंटेंस को देखो, प्लेइंग विथ फायर इज डेंजरस, मतलब आग से खेलना डेंजरस हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, अब आप सोचोगे अब यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। अब यू माइट बी थिंकिंग, देखो आप सोचोगे कि सब्जेक्ट इतना बड़ा है तो अभी इस हेल्पिंग वर्ब को इसके पहले लगाया है, इसके पहले लगाया है, इसके पहले या तीनों के पहले लगाया, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। देखो क्या रहता है ना, हम लोगों को आता सब है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया या फिर थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन आ गया ना, हम लोग सब भूल जाते हैं कि हाँ हमें ये भी आता है, और उस क्वेश्चन को देख के उस मतलब हेजिटेशन के चक्कर में हम लोग क्वेश्चन को रॉन्ग ही कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमें बस अपना रूल ही लगाना है। हमें क्या करना है, हमारे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले जाना है। सब्जेक्ट इतना बड़ा हो या कितना भी बड़ा हो, इसमें तो तीन ही वर्ड्स, अगर वो चार पांच वर्ड का भी सब्जेक्ट होता तो भी हमें हमारे हेल्पिंग वर्ब को हमारे सब्जेक्ट के आगे ही लगाना है। जैसे हम इसे करेंगे, इज प्लेइंग विथ फायर डेंजरस, डेंजरस और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखो प्लेइंग विथ फायर इज डेंजरस, मतलब आग से खेलना हानिकारक है। अभी क्वेश्चन क्या बन गया, इज प्लेइंग विथ फायर डेंजरस, मतलब क्या आग से खेलना हानिकारक होगा या फिर आग से खेलना हानिकारक है क्या, ये बन गया क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल था, बस हमने इस हेल्पिंग वर्ब को हमारे सब्जेक्ट के पहले लगा दिया। अब यहाँ थर्ड वाले एग्जाम्पल पे देखो, इट विल लुक नाइस, अब यहाँ देखो ये जो विल है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब के केस में क्या करना है, सिंपली ऑक्सिलरी वर्ब को भी सब्जेक्ट के पहले लगाना है, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। सिंपली इसको इसके आगे लेना, मतलब विल इट लुक नाइस और ये क्वेश्चन मार्क। देखो सिंपली हमारा सेंटेंस बन गया, इट विल लुक नाइस, वो अच्छा दिखेगा। अगर हमने इसको क्वेश्चन में बनाया तो क्या बन गया, ये विल इट लुक नाइस, क्या वो अच्छा दिखेगा, बन गया क्वेश्चन। सिंपली ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा दिया। अब सेकंड वाले में देखो, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस, देखो अब इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारा सिंपली यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आया है, बस ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा दो, बाकी सेंटेंस एज इट इज हमारा, तो ये हो जाएगा शुड आई डू दिस और ये क्वेश्चन, आई शुड डू दिस, मुझे ये करना चाहिए। अगर हमने इसको क्वेश्चन में बना दिया तो ये क्या बन गया, अगर हमने इसको क्वेश्चन बनाया, शुड आई डू दिस, क्या मुझे ये करना चाहिए, बन गया क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल था, बस हमने हमारे हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की पोजीशन सब्जेक्ट के पहले लगा दी, बाकी हमारे जो एक्स्ट्रा वर्ब्स थे उन्हें एडजेक्टिव रखा और उसके बाद हमारा आया क्वेश्चन। ठीक है,
अब देखो ही फ्लाइज अ काइट, अभी इसमें ना हेल्पिंग वर्ब है ना ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन सेंटेंस को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और वर्ब के साथ हमारा ईएस लगा है, ठीक है। हमने पहले ही कहा था अगर हमारे वर्ब के साथ ईएस, ईएस, आईएस कुछ भी लगा हो तो हमें बस उसके सेंटेंस में डज लगाना है, वो भी सब्जेक्ट के पहले। तो हम यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे डज ही, और एक बात अब देखो डज ही फ्लाइज अ काइट। अब इस सेंटेंस को देख के मुझे बताओ कि ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग। ऑब्वियसली रॉन्ग है क्योंकि हमने यहाँ पे आई एस है, हमने ना इस सेंटेंस से ये आई एस निकाला ही नहीं। अब इतना सब आपने कर लिया, पोजीशन भी सही रख दी, क्वेश्चन मार्क भी दे दिया, सब कुछ सही किया, लेकिन आपने वो अब में से ये निकाला ही नहीं, तो आपका सेंटेंस ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे डज ही फ्लाई अ काइट। ये हुआ आपका एक्चुअल क्वेश्चन, अगर आप इस तरह से लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने डज भी लगा दिया, सब्जेक्ट भी लिख लिया और इसमें से उसका यस यस आई एस जो भी था वो निकाल के हमने उसके वर्ब के एक्चुअल फॉर्म में लिखा, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा राइट, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखो इस तरह ही डज हिज वर्क, अब इस सेंटेंस तो ये सेंटेंस को देख कर ही आपको लगेगा कि अब इसको बदलना ही कैसे। अब हमसे कहा गया था कि अगर वर्ब में यस यस आई एस हो तो हम क्वेश्चन बनाने के लिए डज लगाएंगे, अब इस सेंटेंस में ऑलरेडी डज लगाया तो हम क्या करें। अब देखो एक और बात याद रखना, जैसे हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है उसी तरह से डू, डू मतलब करना, ठीक है। ये जो डू होता है ना, डू मतलब करना, इसके भी ना वर्ब में फॉर्म होते हैं, जैसे ये हो गया, उसके बाद सेकेंड फॉर्म आता है डज, थर्ड फॉर्म आता है डिड, ठीक है। तो ये ना ये वर्ब के फॉर्म है, डू मतलब करना, ऑब्वियसली ये भी क्रियापद है, मतलब ये भी एक वर्ब है, तो ऑब्वियसली वर्ब के भी फॉर्म होंगे। उसी तरह से ये जो फॉर्म है ना, ये डू के साथ ईएस लगा है, ये भी एक वर्ब का फॉर्म है, और ये वर्ब का फॉर्म होने की वजह से हमारे सेंटेंस में आया है। अगर ये सेंटेंस में आया है तो इससे हमारे सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली हमसे क्या कहा है किसी भी वर्ब के साथ, चाहे वो डू हो या कोई भी वर्ब हो, किसी भी वर्ब के साथ यस यस आईएस कुछ भी लगा है, बस हमें सेंटेंस में डज लगाना है, मतलब लगाना है। तो देखो हमको सेंटेंस में डी ओ ई एस डज लग गया, उसके बाद आएगा हमारा ही। अब देखो ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब में से यस 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 जो भी है उसको निकाल के बस उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे डू हिज वर्क, और ये बन गया क्वेश्चन का, तो बन गया ये हमारा एग्जांपल करेक्ट। कुछ नहीं किया हमने, डज था, लेकिन इस डज से ये डज हमारा यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में, ठीक है, तो इससे हमारे सेंटेंस बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे डज लग गया कि हमारा आ गया, और इसमें से यस यस जो भी लगा था हमने उसको निकाल के एक्चुअल फॉर्म में लिखा, और ये हमारा बाकी के एक्स्ट्रा वर्ड्स आ गए और क्वेश्चन का, ये हो गया हमारा सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अब देखो इस वाले में, देखो इस सेंटेंस में, अब इस सेंटेंस को देखो, इसमें ना हेल्पिंग वर्ब है ना ऑक्सिलरी वर्ब है, और ना ही वर्ब के साथ ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना ही ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन हमारा जो वर्ब है उसमें उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, ठीक है। जैसे कम, कम का ना ये कम का थर्ड फॉर्म है, कम हमारा कम मतलब आना, ये हमारा वर्ब हुआ और ये उसका थर्ड फॉर्म है। अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो डज नहीं लगाएगा, क्या लगेगा, डिड लगेगा यहाँ, तो यहाँ पे सिंपली हमने डिड लगा दिया, यहाँ पे आ गया ही, और वर्ब को पता है ना, वर्ब को उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिड ही कम लेट, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो बन गया सिंपल सेंटेंस, कितना इजी से बन गया। देखो इसका यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म था, यहाँ पे हमने डिड लगा दिया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया और वर्ब को उसके हमने एक्चुअल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे वो भीतरी फॉर्म में था जब हमने सेंटेंस बनाया, तो हमने उसको एक्चुअल फॉर्म में लिखा और बाकी हमारा जो एक्स्ट्रा वर्ड था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये हो गया हमारा सेंटेंस पूरा राइट। अब देखो इसमें, देखो ही डिड हिज वर्क, जैसे इस हमारे इस केस में कंडीशन थी कि इसमें वर्ब का यस यस वाला फॉर्म था, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली डज लगा दिया। अब इसमें भी डू का थर्ड फॉर्म दिया है और हमें यहाँ पे भी डिड लगाना है, तो इसमें भी कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली सबसे पहले डिड लगा देना, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। अब देखो ये डिड जो है वो हमारे डू का वी थ्री फॉर्म है, तो उसका एक्चुअल फॉर्म डू है, तो हम यहाँ पे डू लिखेंगे और उसके बाद हिज और उसके बाद आ गया वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया सेंटेंस, कितना सिंपल था, देखो
इस चार रूल के हिसाब से हमने सिंपली सेंटेंस को चेंज किया। लेकिन चेंज करते वक्त हर बातों का ध्यान रखना कि चेंज हम किस तरह से करें, पोजीशन राइट है या नहीं, वर्ब के फॉर्म के हिसाब से हमने उसमें डज या डिड लगाया है नहीं, या फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से हमने उसे चेंज किया है, और सबसे ज़रूरी बात हमने हर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाया है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक ही हो गए, ये सारे सेंटेंस हमारे हो गए। अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो, ऑलरेडी वो निगेटिव और उसे हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हमें कुछ नहीं करना, अगर उसमें देखना हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है या जो भी है, बस उसकी पोजिशन हमें सब्जेक्ट के पहले लगानी है और उसमें से नॉट नहीं निकालना है, हमें निगेटिव सेंटेंस को ही निगेटिव क्वेश्चन बनाना है। तो सिंपली अब देखो, यहाँ पे इज जो है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्या करना, इसको इसके आगे लेना और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इज ही नॉट रेडी, और ये क्वेश्चन, ये क्या था, ही इज नॉट रेडी, वो रेडी नहीं, वो तैयार नहीं है। क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, इज ही नॉट रेडी, क्या वो तैयार नहीं है, क्या वो रेडी नहीं है, बन गया क्वेश्चन। हमने नॉट को नहीं निकाला, हमने बस हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था उसकी पोजीशन चेंज करके उसको सब्जेक्ट के आगे लगा दिया। अब इस वाले में देखो, वी शॉल नॉट गेट इट, हम शायद वो नहीं ले पाएंगे, ये बन गया, हम शायद वो नहीं ले पाएंगे, ये हो गया कि एक सेंटेंस है। अगर हमें इसको क्वेश्चन में बनाना है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे होगा शॉल वी नॉट गेट इट। अब देखो, ये बन गया क्वेश्चन, हमने क्या किया, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब था, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा दिया और हमारा से क्वेश्चन बन गया शॉल वी नॉट गेट इट, क्या हम वो नहीं ले पाएंगे, सेंटेंस क्या था, वी शॉल नॉट गेट इट, हम वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बन गया, शॉल वी नॉट गेट इट, मतलब क्या हम वो नहीं ले पाएंगे, बन गए। ये देखो, ये सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, आई होप कि आपके इसमें से ज़्यादा राइट हो या फिर पूरे राइट हो। ठीक है, तो ये हमने चारों रूल्स के बारे में पढ़ा, फिफ्थ रूल तो हमने ये भी देखा कि निगेटिव सेंटेंस को बनाना तो हमें उसमें से नॉट नहीं निकालना है। लेकिन एक बात ये आती है कि जब आपके टेंथ बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, उसमें आपको रेटोरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, तो अब ये रेटोरिकल्स क्वेश्चन क्या होते हैं, और आपको अगर एग्जाम में आया है तो यूजुअली आपको एग्जाम में कैसा होता है कि आपको जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसे निगेटिव बनाना होता है, निगेटिव सेंटेंस को बस उसका नॉट निकाल के उसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाना होता है। पॉजिटिव को निगेटिव बनाना मतलब पॉजिटिव जो क्वेश्चन है उसको इस तरह से निगेटिव बनाना होता है, लेकिन वो क्वेश्चन ही रहना चाहिए, उसे हमें चेंज नहीं करना। एक सेंटेंस होगा पॉजिटिव सेंटेंस, उसे आपको निगेटिव में क्वेश्चन बनाना है, तो वो किस तरह से करना है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आप इन रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद रखना और इन सेंटेंसेस को दोबारा सॉल्व करके देखना। सो थैंक यू।